आज कासगंज के बाहर पत्थर मैदान पर गठबंधन प्रत्याशी कुंवर देवेंद्र सिंह यादव की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सपा बसपा साथ आ गए तो वोटों की कोई कमी नहीं है, बस वोटों की आंधी को बूथों तक पहुंचाना है। 5 साल में किसान के खाद की चोरी हो गई, युवाओं की नौकरी की चोरी हो गई, भला कैसे आए अच्छे दिन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चाय वाले बनकर आए थे, अब चौकीदार बनकर आए हैं। चाय उनकी अच्छी नहीं थी, बड़े सभी चौकीदारों की चौकी छीनी है। कहा कि भाजपा फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए समाज को बांटने का काम कर रही है। सीएसटी ने और नोटबंदी ने बताओ उनके व्यापार की चोरी करनी के नहीं करनी चोरी। नोटबंदी करते समय कहा था सरकार ने कि काला धन आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। या परिवार का सदस्य कोई बीमार हो जाए तो आज इलाज नहीं करा सकता, ये स्थिति पैदा कर दी। संकट पैदा किया कि गरीब इलाज कैसे होगा, एम्बुलेंस चाहिए थी उसको भी बर्बाद कर दिया। 102-108 एम्बुलेंस चलती थी गाँव में, घर में, कहीं घूमने पर आपकी मदद करती थी, उसका डीजल पेट्रोल की चोरी कर लिया सरकार। Yeah.